हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो कम्पे कंपनी का कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से एक कंपनी दूसरी कंपनी से किस किस एरिया में बेहतर है और किस किस एरिया में वो बेहतर नहीं है इसलिए कि सिंपल अपनी कंपनी के साथ ही काफ़ी नहीं होता आप दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके देखें आपने जो बजट किया है उसके साथ कंपेयर करके देखें या पिछले सालों के साथ कंपेयर करके देखें यानी कंपेरिजन इज़ अ मस्ट क्योंकि जब भी कभी आपको कोई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी तो उसमें एक फ्रेमवर्क है कि जी आपने किस मकसद के लिए बना रहे हैं और इस मकसद को पूरा करने के कौन कौन सी रेशियो हमें निकालनी है और फिर उसके ऊपर कमेंट्री है यानी तीन स्टेजेस हैं नंबर वन कि आप क्लियर हों कि हमने क्या करना है किस लिए करना है और कौन सी रेशियो इसमें इन्वॉल्व है और फिर उसके ऊपर कमेंट्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट तो लेट सी द क्वेश्चन अब देखिए कंपनी है दो हैं स्प्रेड लाइट लिमिटेड और इजी लिमिटेड अगेन मैंने ब्रीफ करके सारी फिगरें रख रही हैं ताकि आसानी से समझ में बात आए देखिए सेल्स जो है ये थाउजेंड्स में है 2.5 एंड 1.6 पॉइंट सिक्स तो अपनेटली नज़र आ रहा है कि जो स्प्रेड है ये इसकी टर्न ज़्यादा है ये बेहतर कंपनी हो सकती है अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आए तो 2070 और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 430 430 ये बराबर है अब आप देखेंगे कि ईजी जो है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम है कम्पेरेटिवली स्प्रेड की इसीलिए इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेम आया अच्छा एक्सपेंसेस में वेजिस सैलरी डायरेक्टर एडमिशन अदर एक्सपेंस सबको माइनस किया तो स्प्रेड का नेट प्रॉफिट जो है वो कम है और जबकि ई का नेट प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है हालांकि सेल्स कम है लेकिन एंड रिजल्ट में ई जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है बैलेंस शीट की फिक्र भी थोड़ी सी देख लें नॉन करंट एसेट्स उसके 120 ज़्यादा हैं और इसके सिर्फ 30 हैं और वैन है इसमें उसकी भी है इसकी भी है तो टोटल नॉन करंट एसेट्स 158 एंड 62 ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हैं और करंट रेशियो करंट एसेट्स में थ्री अबाउट फोर और उसका टू हंड्रेड दैन करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स में तो नेट एसेट्स नैट एसेट्स मराद क्या है कि आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें अब इसमें चूंकि सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ ही हैं तो ये नेट एसेट्स आ गए इक्विटी में आपका शेयर कैपिटल है रिजर्व्स और रिटेन प्रॉफिट्स हैं और ये आपके नेट करेंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी दोनों के केस में देख लें कि टू एंड टू अब इसमें देखें रेशो कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है नंबर वन इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट नंबर टू द नेट प्रॉफिट सेल्स एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स ये भी है कि आपके एक्सपेंस सेल्स का कितने परसेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात हो रही है इन्वेंटरी टर्नओवर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेशो देन करेंट रेशो एसेट टेस्ट रेशो रिसीवेबल रेशो पेएबल रेशो ये आपकी नौ रेशोस आपने देख ली ये लिमिट नहीं है कि नौ होनी चाहिए दे कैन बी मैनी इनफेक्ट अगर हम चाहें प्रैक्टिस में तो एक सेट ऑफ अकाउंट से हम सौ से ज़्यादा रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि एक ऑथर ने लिखा कि हज़ार भी कैलकुलेट की जा सकती है डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल्ड में एनालिसिस करना चाहते हैं